मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं है, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मकसद। जिंदगी को सही दिशा देने के लिए मकसद का होना उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर के लिए ऑक्सीजन का होना। इसलिए मकसद खोजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और आपकी बगल वाली सीट पर यात्री बैठा है, आपसे सवाल कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आपके पास उस सवाल का जवाब ना हो तो आपको बहुत ही अजीब फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं तो आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे। इसी तरह आप पता कीजिए आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का नजरिया और सोच होता है कि जिंदगी मिली है, जीना तो है, चाहे जैसे जिए, वो इसीलिए जी रहे और जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो इसीलिए कर रहे हैं। यह नजरिया 90% फीसदी लोगों का होता है। इसका परिणाम होता है कि उनकी पूरी जिंदगी बिना किसी मकसद के निकल जाती है, और उनके जीवन में मकसद ना होने से उन्हें जीवन में कुछ खास नजर नहीं आता है और उत्साह और जोश की कमी लगती है। हमारा नजरिया शिकायतबाजी रहता है। इस नजरिए को छोड़िए, अपने असाधारण क्षमताओं को पहचानिए। आप अपने जीवन में एक खास मकसद को पूरा करें। जब हम तय कर लेते हैं कि हमें क्या और क्यों करना है तो उत्साह और लगन और जोश और परिश्रम सब अपने आप आ जाता है। लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में, जहाँ पे आपको लगता है कि 100% में 1% आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 100% कोशिश करनी चाहिए 1% करने के लिए। किस दिशा में जा रहे हैं? कुछ ऐसे सवाल आप अपनी जिंदगी के बारे में करें। आप अपनी जिंदगी को किन बातों के लिए याद करना चाहोगे? आपको लोग आपकी किन अच्छी बातों के लिए जानेंगे, और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? क्योंकि जब हम घंटों की यात्रा करते हैं और निश्चित मकसद के लिए करते हैं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो फिर उसे बिना मकसद के क्यों कर रहे हैं? सोचिए, जब आपको पता ही नहीं कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं तो फिर चलने का कोई फायदा नहीं है। और यह कैसे पता लगेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत, या फिर कहाँ तक जाना है? अपने बारे में विचार करना शुरू कीजिए। आप जितना ज़्यादा विचार करेंगे आपको पता लगेगा कि आपको आगे किस राह पे बढ़ना है। एक बार तय होने के बाद में काम शुरू करना आसान होता है। बदलाव करो, बदलो नहीं। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जब हम रुकते हैं और ध्यान से देखते हैं कि स्पष्टता आ जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? जिन आदतों और व्यवहारों और तरीकों को बदलना है उसकी एक सूची बनाएं और एक समय सीमा तय कर लें कि आप बदलाव हमें कब तक करना है। अपने जीवन का मकसद आपने एक बार तय कर लिया, फिर उसको पूरा करने के लिए आपको उस साधारण जिंदगी के चोले को निकाल कर फेंकना होगा। आपका प्रत्येक दिन उस मकसद की ओर जाने का मौका है। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। यह बदलाव आपकी आदतों में होगा और दिनचर्या में भी होगा। रुको, ठहराव बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो एहसास होना शुरू होता है बहुत सी बातों का जिनको हमें रोज के दिनचर्या में कभी भी महसूस नहीं कर पाते हैं। अपने रोजानों के कामों से थोड़ा ब्रेक लें और अपने लिए 2 या 3 दिन का टाइम निकालें। इस दौरान रिश्तेदारों से और दोस्तों से ना मिलें, और हो सके जितनी कोशिश करें एकांत में समय बिताएं और शांत रहें। अपने मनपसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं और गार्डन में घूमने जा सकते हैं। आप जितना ध्यान करेंगे और कम बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपने जो सोचा, आपने जो काम किया, जो विचार किया, एक डायरी पर लिखें। यकीनन यह ठहराव आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी जिंदगी का बदलाव और सुधार दोनों नजर आएगा। इन 2-3 दिनों के ठहराव के दौरान सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं और जिंदगी में क्या ठीक चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है। जब आप रुकते हैं और शांत होते हैं तो जिंदगी की बहुत सारी बातें नजर आने लगेंगी। आप अपने आप से सवाल करें कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता हूँ, लोग मुझे किस लिए याद करेंगे। यदि मेरी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह हो तो मैं उस फिल्म का अंत कैसा देखना चाहता हूँ। मुझमें क्या खास बात है, मैं लोगों के लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। इन सब सवालों का जवाब लिखें और जिंदगी में एक मकसद बनाएं। जितना स्पष्ट आपका मकसद होगा उतने ही आप लाइफ में प्रेरित रहेंगे। इसलिए मकसद खोजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और मकसद के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। लाइफ इज नथिंग विदाउट फ्यूचर, है ना। सब पैसा कमाना चाहता है लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, दिमाग लगाना कोई नहीं चाहता है। आजकल डिजिटल इंडिया हो गई, नेटवर्किंग पूरी है, सब इंटरनेट द्वारा है, तो आप इसके जरिए पैसा कमा सकते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा आपको। तो मैं नजोटो से लगभग अभी तक मैंने 80,000 रुपये कमाए हैं, लेकिन 2 साल तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला। आज मैं डेली उससे 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 500 रुपये तो प्लस में जाता है। जितना मैं टाइम देता हूँ उतना मैं रुपये कमा सकता हूँ। वहाँ पे एक रेफरल कोड होता है जो आपको लोगों के पास शेयर करना होगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो उसको डाउनलोड करेगा ऐप को, उसको 20 से 25 रुपये मिलता है पर बंदे का। और स्टार्टिंग हो सकता है आपको 5 रुपये मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन बट मुझे
25 से 22 20 के रेंज में रहता है, इससे मुझे कम नहीं मिलता रुपए है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा मैंने कैसे पैसे कमाए और आज का मेरा अर्निंग कितना है। तो गाइस आप भी कमा सकते हो उससे पैसे, और आने वाले टाइम पे मैं हो सकता है आपको डेली का इससे ज्यादा भी बताने वाला हूँ। वहाँ पे क्या है कि आप जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि यानी आप तुरंत डाउनलोड किया मेरे पास 3 रुपए मिले मैं तो क्या करूँगा, फायदा बेकार चीज है। नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा कि हाँ इससे पैसा आप कमा सकते हैं। आपको एक सोशल नेटवर्क बनाना होगा कि हाँ ऐसे ऐसे पैसा कमा जाता है, ऐसे आप भी कमा सकते हैं। आप 10 का बनाया, कल 50 लोग हुए, कल 100 लोग हुए, ऐसे धीमे धीमे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और पैसे आप कमा सकते हैं। अगर 10 रुपये पर बंदे का मिला, 50 लोगों को डाउनलोड कर लिया, आप जोड़ो कितना हो, 500 रुपये हो गया लगभग। तो इस हिसाब से आप डेली कमा सकते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तुरंत डाउनलोड किया आप सोचते हैं कि 10,000 या 20,000 5,000 1,500 तुरंत, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप ऑनलाइन इवेंट भी करते हैं तो उसमें ज़्यादा मिलता है, जैसा आप चार्ज करो, जैसा आप टिकट बुक करो, जैसा आपको पैसा रखोगे आप इवेंट में ज़्यादा मिलता है। बट कुछ नहीं करना है तो रेफरल कोड बना के आप लोगों के पास शेयर करो, जो आपको कोड होगा आप उसी से अगर लोग डाउनलोड करते हैं तो आपको 25 से 20 में मिलेगा। बट मुझे 2 साल तक 1 रुपया नहीं मिला था, बट अब अपडेट के बाद में अब लोगों से आप पैसे कमा सकते हैं और उनको अवेयर भी करा सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो नजोटो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाइए, और जो आपका फेवरेट है, मोटिवेशन है या फैक्ट है, कहानी है, हॉरर है, जैसे भी आपको पसंद है वैसा आप वीडियो बना सकते हैं। बट प्लीज़ कीप स्माइल फॉर लाइफ, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, यही जिंदगी है। बट मकसद खोजना मत भूलना कि लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा जरूरी है तो मकसद है, इसलिए सबसे पहले आप मकसद बनाओ, उसके बाद मेरे लाइफ में आगे बढ़ो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।